आज हम बनाएंगे बेसन की सबसे मज़ेदार रेसिपी। जब घर में कुछ भी समझ में आए कि मैं क्या बनाऊं, तो बेसन की सब्जी आप आसानी तरीके से बना लें। और मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सब्जी बनाने के लिए हमें एक टूबी बेसन लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़े से मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पतला सा घोल बना लेंगे। पानी हम एक साथ ना डालें, घोल बनाते रहें और बीच बीच में जैसा आपको गाढ़ा पतला घोल हम डालें। लेकिन बेसन का घोल ऐसा होना चाहिए, इतना ही पतला। उसके बाद हम मसालों के लिए प्याज लिए हैं, अदरक लहसुन लिए हैं, इसको हल्का सा पेस्ट बना लेंगे। हम इस सब्ज़ी में टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे, कोई आलू भी नहीं डालेंगे, सिंपल मसालों से रेसिपी बनाएंगे। उसके बाद इसमें धनिया डालेंगे, खड़ा धनिया और जीरा और खड़ी लाल मिर्च, हम सब इसमें खड़े मसालों के साथ ही बनाएंगे। उसके बाद कोई भी स्पेशल मसाला यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब एक तवा लेंगे, उस पर थोड़ा सा तेल डाल स्प्रेड कर देंगे। पूरे तवे को तेल से हम ग्रीस कर लेंगे ताकि बेसन का चीला बनाए तो चिपके नहीं। इसे हम बेसन का चीला भी बोलते हैं, बेसन के चीले की ही सब्ज़ी है ये। हम थोड़ा सा बैटर डाल दिए हैं तवे पे, इसे धीरे धीरे करके राउंड शेप में फैला लेंगे। देखिए ऐसे धीरे धीरे आप एक स्पून की मदद से आप राउंड शेप कर लेंगे। अच्छे से फैल गया है तवे पे। इसे दो चार मिनट ऐसे छोड़ देंगे, थोड़ा सा बेसन पक जाए। दोनों तरफ से नहीं पकाना है, एक तरफ से पकाना है। हाफ फोल्ड कर देंगे एक तरफ से और फिर हाफ फोल्ड कर देंगे दूसरी तरफ से। देखिए ऐसे पैक हो गया पूरा, चिपक गया आप इसमें। इसे हल्का सा पलट के फिर भी हल्का सा सेक लेंगे चीले को। अब इसमें उतार देंगे ऐसे ही, एक एक करके हम सारे चीले बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा तेल डाला, सब्जियों का तेल डाले आप, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पक जाएगा दूसरा बेसन का चीला तैयार हो गया है। अब हम एक और बनाएंगे, दो से तीन लोगों के लिए सब्जी बना रहे हैं। ज़्यादा ही सेकना है, थोड़ा ही सेकना है। क्या हो गया, अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें दो से तीन चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। इसे चलाते रहेंगे। देखिए हमारा प्याज भुन चुका है। अब इसमें जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट डाल दिया मैंने। इसे भी कुछ देर तक चलाएंगे। आप बिना टमाटर बिना आमचूर के ये सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसमें मैंने जो साबुत धनिया डाल के पीसा था मसाले में, उससे इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसमें होममेड गरम मसाला डालेंगे। बाकी कोई भी बाहरी मसाला नहीं डालना है। इसमें एकदम देसी स्टाइल में सब्ज़ी बन रही है और एकदम देसी टेस्ट आएगा। जो गाँव में सब्ज़ियाँ बनती हैं वही वाला टेस्ट इसमें आएगा। अब एक चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हम चीले में भी डालें, इसलिए आप नमक को ध्यान में रख के डालें। मसाला हमारा भून के तैयार हो रहा है। अब इसमें जिस बोल में हम बेसन का बैटर बनाए थे उसी बोल में पानी लेकर के हम थोड़ा सा बेसन को मिक्स करके इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ग्रेवी इसकी अच्छी बनेगी, बहुत पतली नहीं रहेगी। देखिए हमारा घोल पक चुका है। अब इसमें हम
जो चीले के पीसेस किए थे वो सारे इसमें पीस डाल देंगे। जिसे फिश खाना नहीं पसंद है, वो जो वेजिटेरियन है, वो इसे बेसन की भी सब्जी को फिश की सब्ज़ी समझ के खा सकता है, टेस्ट वही आएगा, थोड़ा देखने में वही लगता है। देखिए इसे बोलते देसी फिश करी। हमारा सब्जी बनके देखिए कितना तैयार हो गया है, कितना टेस्टी दिख रहा है। आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। इससे आपके पास मेरी सारी वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।